हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल जेकम मैथ मस्त। मैं जितेंद्रा, आपको मैं एक जीएस का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला जो कि आपको हमेशा कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हर एक एग्ज़ाम आपके लिए पूछा जा सकता है। तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है इंडिया के, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये आपका वीडियो पूरा 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 पूरी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं ट्रिक के जरिए आपको बताने वाला हूँ नेशनल पार्क जो होता है। तो मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में रखिए कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जेके मैथ मस्ती के। तो मैं हमेशा नया नया वीडियो लेकर आता रहता हूँ आप लोग के बीच। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है गुजरात। तो मैं 5 राज्यों का नेशनल पार्क मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वीडियो जरूर देखा था। पहले आपका गुजरात। तो गुजरात में जो नेशनल पार्क उसका ट्रिक क्या है, तो गुजरात में बर्फ गिरी। गुजरात में तो बर्फ वैसे भी गिरता नहीं है, मगर गुजरात में बर्फ गिरी। तो मे से मरीन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा बर्फ से ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिरी से गिरी नेशनल पार्क। तो ये सब कहाँ है, ये तो गुजरात में नेशनल पार्क है। ये 3-4 होता है, तो ये 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखे। गुजरात में बर्फ गिरी आप याद रखें। फिर आपका अगला नेक्स्ट आ गया मध्य प्रदेश, जो इंडिया का मैप का इंडिया का जो दिल का है, जो धड़कन कहा जाता है मध्य प्रदेश को, जो बीच में बसा है, जो मध्य में बसा है। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश का, तो मध्य बांध का पेंच पन्ना में फंसा, मध्य बांध का पेंच पन्ना में फंसा, तो मध्य से मध्य प्रदेश हो जाएगा राज्य का नाम। फिर बांध से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फिर का से कान्हा नेशनल पार्क, फिर पेंच से पेंच नेशनल पार्क, फिर पन्ना से पन्ना नेशनल पार्क, फिर मेज से माधव नेशनल पार्क। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है वो इंडिया के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो आप तो याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी इसमें का है उतना याद रखिएगा आप एग्जाम के ओरियर से। तो मध्य प्रदेश से मध्य बांध का पेंच फंसा। उसके बाद आपका है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र आ गया। तो महाराष्ट्र का महान गुगा नई बोरी चादर लाया, महान गुगा नई बोरी चादर लाया। तो महान से महाराष्ट्र आपको याद रखना है, फिर आपको गुगा से गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, फिर नई से नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, फिर बोरी से बोरी वाली राष्ट्रीय उद्यान, फिर चादर से चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। तो ये आपके याद ओनली याद रखेगा महान गुगा नई गोरी चादर लाए। आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा पूरी याद हो जाएगा आपका नेशनल पार्क। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो याद रखिएगा क्या कि आप महान गुगा नई बोरी चादर लाया। तो महान से महाराष्ट्र, गुगा से गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, फिर नई से नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, फिर बोरी से बोरी गांव राष्ट्रीय उद्यान, फिर चादर से चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। चंदौली बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर आपका अगला आने वाला है, तो आ गया केरला। तो करेले पर अन्ना सोता है, करेले पर अन्ना, जो करेला होता है ना जो रोपा जाता है गाँव में, तो करेले पर अन्ना सोता है। कौन सोता है, तो अन्ना सोता है। तो करेले से केरल, करेले से केरल, करेले से केरल, फिर प से प्रयाग नेशनल पार्क, फिर अन्ना से अनामुड़ी नेशनल पार्क, तो अ से अन्नामुड़ी नेशनल पार्क, फिर सोता से, फिर सोता से साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केरला में जो है, और एक दो है मगर यही इंपॉर्टेंट आपके लिए, 4 बनता है एग्जाम के जरिए। तो करेले से केरला केरल, फिर प से प्रयाग नेशनल पार्क, फिर अन्ना से अनाईमुली नेशनल पार्क, फिर सोता से साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जिसमें एक हाथी का डेथ हो गया जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वहाँ पर, वो पानी में जो ये न्यूज है करंट अफेयर में पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर याद रख लिया साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इसमें से एक हाथी का डेथ हो गया था साइलेंट नेशनल पार्क में, वो मर गई थी। फिर आपका अगला आने वाला तमिलनाडु, TN यानी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु किसका ट्रिक है, तो तमिल अन्ना मुझे मनाने में गुंडा बना, जो तमिल अन्ना मुझे मनाने में गुंडा बना, तमिल अन्ना मुझे बनाने में गुंडा बना। तो तमिल से तमिलनाडु, तमिल से तमिलनाडु याद रखना है। अन्ना से अनाई अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये अन्नामलाई नेशनल पार्क है अन्ना से। फिर मुझे से मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुझे से मुदुमलाई नेशनल पार्क, फिर मनाने से मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, फिर मन्नार से मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, तो ये याद रखें। फिर गुंडा से
गुंडडी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, गुंडडी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, गुंडडी राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।